हाँ मुकेश जी, वो मेरा इश्यू सॉर्ट आउट हो गया, थैंक यू सो मच। मैं कोई आपको बात नहीं। दोबारा बात करूंगी, हो गया मेरा इश्यू सॉर्ट आउट। I got disconnected. Which Yes, line sir, we was? are very sorry. It is for the first time it has happened that somebody else got connected to this and you got disconnected No, and tell you me are which not slide I taking was your. in. You were in one of the earlier slides. और भी आगे? या इसके बाद यहाँ पे थे आप बस। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत आगे चला गया। मैं वही तो हम ट्राई कर रहे थे आपका ओह, आई हैड पुट माय भी। मोबाइल ऑन साइलेंट ना, तो ओके, आई डिड नॉट सी दिस। ओके, आई एम सॉरी, व्हाट टू आई एम डू? सो सॉरी फॉर दिस, वी अपोलोजाइज बट वी रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई वॉज हियर, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ओके, सो दिस इज द रेंज बिटवीन 1 माइक्रॉन टू 1 नैनोमीटर, वेयर नैनो टेक्नोलॉजी नॉर्मली इज डिस्कस्ड। हाउएवर, देर इज नो रीजन वाई 105 नैनोमीटर विल नॉट बी नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसा कोई कारण नहीं है, बट ज्यादातर हम 4-5 नैनोमीटर में फिजिसिस्ट टॉक नैनो टेक्नोलॉजी, और 100-150 नैनोमीटर पे हम बात करते हैं अबाउट इन बायोलॉजी। ओके, सो आई हैव टू गो लिटिल फास्ट, आई वेंट वेरी एनीवे। यस सर, तो इस स्केल में, जो नैनोमीटर स्केल में, ऑन द लेफ्ट साइड आप देखेंगे, यू आर सीइंग ऑब्जेक्ट्स विच आर इन नेचर, लाइक द डीएनए। 1 टर्न ऑफ डीएनए इज अराउंड 2.5 एंगस्ट्रॉम, विच इज लेस देन अ नैनोमीटर। सो यू कैन मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स इन लाइफ साइंस। यू कैन सी रेड ब्लड सेल्स ऑफ द साइज ऑफ माइक्रॉन्स, 2 माइक्रॉन्स एटसेट्रा। बिटवीन रेड ब्लड सेल्स और सिमिलर सेल्स टू द डीएनए, देर आर मेनी मेनी थिंग्स इन लिविंग सिस्टम्स विच फॉल इन द नैनो टेक्नोलॉजी डोमेन। देर आर थिंग्स कॉल्ड लिपोजोम्स एटसेट्रा। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड आर ऑब्जेक्ट्स विच आर मैन मेड, विच आर मेड इन द लैब। आप लैब में ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो कि 50 नैनोमीटर का है, 10 नैनोमीटर का है, 15 नैनोमीटर का है। कैन यू कम डाउन इन साइज एंड मेक इट इजीली इन लार्ज स्केल? सो लार्ज स्केल में पीपल हैव मेड से 50 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ गियर्स एटसेट्रा जो कई साल पहले बनाया गया है। अभी वर्ल्ड में लेटेस्ट 5 नैनोमीटर साइज के चिप्स बनाए गए हैं। दैट इज इन 2019 द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट चिप वॉज मेड बाई अ चिप कंपनी इन ताइवान, विच इज द रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। अभी और बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, बट ये जो साइज है माइक्रोन का, ये हम किसी भी लैब में बना सकते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड मेम्स टेक्नोलॉजी। आप अपने हाथ में अगर देखें और जूम करें, तो आपका नेचुरल जो विजन है वो अराउंड 0.03 to 0.05 मिलीमीटर देख सकता है। बट इफ यू जूम इनसाइड, से सपोज 1 मिलीमीटर, देन यू कैनॉट सी ऑल दीज थिंग्स। यू कैनॉट सी द व्हाइट ब्लड सेल, यू कैनॉट सी द डीएनए और द एटम्स विच मेक द डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एमिनो एसिड, सो यू विल नेवर बी एबल टू सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स मेकिंग द एमिनो एसिड्स यूजिंग योर आईज, बट यू नीड माइक्रोस्कोप्स फॉर दैट। व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन नैनो टेक्नोलॉजी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाई सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है? आपके पास, मान लीजिए, आप आधी चम्मच शुगर लेते हैं। आधी चम्मच शुगर का वेट में भी हाफ अ ग्राम और 1 ग्राम, दैट 1 ग्राम के एटम्स को मैं अगर पूरे एक सरफेस पे बिछा दूं, तो मैं तो फुटबॉल फील्ड कवर कर दूंगा। तो अगर सेम मटेरियल जो आधे चम्मच में आ रहा है पूरा फुटबॉल फील्ड पे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग होगी। That is the main point in nanotechnology. You are having all your atoms close to the surface. उससे क्या properties change होगी? सारी properties change हो जाएगी. Physical properties will change, melting point will change, reactivity will change, electrical points will change, mechanical points will change, properties, optical properties will change. आप एक copper wire को pull करना चाहते हैं, उसकी ductility अगर nano particles होगी, उसकी बिल्कुल अलग होगी। जो normal copper wire है वो बिल्कुल अलग होगी, melting point अलग होगी। So, ये नैनो साइंस कब से स्टार्ट है? थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी है, क्योंकि लोग कांच बनाते थे, कलर्ड ग्लास बनाते थे, रोम में, जर्मनी में, फ्रांस में, जहां पे लोग कलर्ड ग्लास बनाते थे वेसल्स में,
जो पतीलों में बनाते थे वो पतीले कॉपर के होते थे या ब्रोंज के होते थे या ब्रास के होते थे, उनमें से वो मेटल नैनो पार्टिकल वो ग्लास में चले जाते थे एट हाई टेम्परेचर। ग्लास बनाने की जो टेक्निक है, यू हैव टू मेल्ट दैट मटेरियल, तो हाई टेम्परेचर पे ये नैनो पार्टिकल उसमें घुस जाते थे, इसलिए कलर आता था। तो सारे चर्च में जो ग्लास है ये सब कलर्ड नैनो पार्टिकल, मेटल नैनो पार्टिकल्स की वजह से। ऐसे ही नैनो पार्टिकल दवाई में इस्तेमाल किए जाते थे आयुर्वेद में, यूनानी में, बहुत सालों से, हजार सालों से। मॉडर्न नैनो साइंस में सबसे पहले लैब में माइकल फैराडे ने गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाया था एज शोन हियर, एंड इट इज स्टिल देयर इन लंडन म्यूजियम। ओके, उसके बाद 1959 में रिचर्ड फाइनमैन, जो कि नोबेल लॉरेट हैं फिजिक्स के, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी बिना शब्द यूज किए एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एटम्स और इस साइज के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो आप नई नई खोज आपको मिलेगी, नई फिनोमिना मिलेगा। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया बाय अ जापानीज इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एंड देन इट वॉज पॉपुलराइज बाय MIT स्टूडेंट हु वॉज स्टडिंग इन MIT, हु रोट अ फिक्शनल बुक कॉल्ड बुक इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, जिसमें वो सबसे पहले बार उन्होंने रोबोट्स के बारे में बात की थी जो ब्लड में जाके सर्जरी करेंगे या ऑर्गन्स में जाके सर्जरी करेंगे, जिसको हम नैनोबॉट्स कहते हैं आज। दिस आइडिया वॉज क्रिएटेड बाई हिम, इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड मूवीज वर मेड आउट ऑफ दैट। बट द मेजर साइंटिफिक चेंज, जब पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम करने लगी, दैट वॉज इन द 1990s आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। HRTM वॉज ऑलरेडी नोन, बट दीज आर द थ्री टेक्निक्स टूगेदर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। This is Michael Faraday. This is gold, red colored, but today we can make blue colored, violet colored, green colored nanoparticles. इसमें सबसे मुश्किल कलर ग्रीन लाने के लिए है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कंट्रोल चाहिए, साइज आपको कंट्रोल करना है। इसलिए ज्यादातर किताबों में जो आप लैब में देखते हैं सब रेड दिखाते हैं, पिंक दिखाते हैं, कभी कभी ब्लू दिखाते हैं, ग्रीन बहुत रेयर दिखता है। जो बहुत स्पेशलिस्ट नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो गोल्ड पे ही काम करते हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत सारे और कलर्स बनाए हैं जो शेप डिपेंडेंट। आपको ट्रायंगुलर गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाने पड़ेंगे या हेक्सागनल गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाने। तो साइज और शेप पे गोल्ड, ऐसे ही सिल्वर, प्लैटिनम, कोई भी मेटल ले लीजिए, सबके कलर चेंज कर सकते हैं आप। गोल्ड के कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, आप गोल्ड नॉर्मली मेटालिक होता है उसको इंसुलेटर बना सकते हैं। गोल्ड नॉर्मल कैटालिसिस नहीं करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पर नैनो गोल्ड कैटलाइज करता है। तो कलर भी चेंज होते हैं गोल्ड के, प्रॉपर्टीज भी चेंज होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। हम गोल्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट सिल्वर में भी होता है, प्लैटिनम पे भी होता है, रुथीनियम में भी होता है, ठीक है। ये कलर गोल्ड का क्यों आता है, इसको हम कहते हैं सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस इफेक्ट। ये सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस क्या होता है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में, जैसे किसी भी मेटल नैनो पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब लाइट के संदर्भ में आते हैं तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशंस में ऑसिलेशंस क्रिएट करते हैं। ये जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तब हम कहते हैं रेजोनेंस होता है। जब वो रेजोनेंस होता है तब हमको एक ह्यूज इंटेंसिटी मिलती है, तब हमको वो कलर जिस वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, वो वेवलेंथ कौन सा कलर का वेवलेंथ होता है, हमको वो कलर से रिलेट करती है। तो जो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट कर रही है, अगर 500 नैनोमीटर पे है, यू विल सी अ कलर रिलेटेड टू 500 नैनोमीटर। अगर वो 600 नैनोमीटर पे ऑसिलेट कर रही है तो आपको 600 नैनोमीटर पे जो कलर होती है उसको दिखेगी, जैसे 680 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर रेड कलर दिखता। तो पार्टिकल का साइज और शेप, जैसे रॉड है तो अलग कलर दिखेगा, स्फीयर है तो अलग कलर दिखेगा, ये सारा साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन कर दिया है पीछे 10-15 साल में, बहुत स्टडीज हुई है, ठीक है। अब गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, बल्क मेल्टिंग पॉइंट 1050 सेंटीग्रेड है या 1330 केल्विन है, वो गिरते गिरते 500 केल्विन हो जाएगी एट 20 नैनोमीटर।
तो इतना डिफरेंस है. ओके आज 4 साल पहले एक ये है कि 1000 times लाइटर गोल्ड आप बना सकते हैं. ये भी नैनो टेक्नोलॉजी जो कि फ्लोट कर रहा है कॉफी, जो कि एक फेदर पे है. इसकी बहुत एस्पेक्ट्स है. इसका इट हैज बीन यूज्ड एज अ प्रेशर सेंसर. इट हैज मेनी अदर प्रॉपर्टीज, अ ग्रेट कैटलिस्ट. तो गोल्ड पे देखो 4000 साल से लेके आज भी लोग गोल्ड पे काम कर रहे हैं. ऐसे ही सिल्वर पे काम कर सकते हैं, प्लैटिनम पे काम कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स. अब मेटल पार्टिकल्स गोल्ड जैसे हैं, आप 50 और मेटल नैनो पार्टिकल्स में सेम थियोरीज अप्लाई कर सकते हैं, पर कलर अलग मिलेगा क्योंकि प्लैटिनम नैनो पार्टिकल मे नॉट ऑसिलेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी. अब कमिंग टू सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर में भी कलर वेरी कर सकते हैं. सेम सेमीकंडक्टर में मैं अलग अलग कलर ला सकता हूं अलग अलग साइज के, बट द रीजन इज डिफरेंट. मेटल में सरफेस प्लाज्मोन के लिए है, यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है बैंड गैप में. हर सेमीकंडक्टर का एक बैंड गैप होता है और वो बैंड गैप चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल. व्हेन वी आर वेरी स्मॉल इन साइज देन यू कैन सी दिस इफेक्ट मोर क्लियरली इन द विजिबल रीजन. इसीलिए आपको कलर तभी दिखेगा जब आप स्मॉल साइज में हो, बिकॉज योर आईज कैन सी द विजिबल कलर. दैट्स व्हाई यू हैव टू गो टू फ्यू नैनोमीटर्स, राइट. वैसे उससे ज्यादा साइज में जाएंगे तो यूवी में चला जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट. सो स्मॉल साइज में आपको दिखता है. इसको हम क्वांटम साइज इफेक्ट भी कहते हैं और क्वांटम डॉट्स भी कहते हैं इस साइज में. सो कलर ऑफ सेमीकंडक्टिंग नैनो पार्टिकल्स इज डिफरेंट रीजन देन मेटल नैनो पार्टिकल्स. दो अलग रीजन है, बट हम दोनों में एक काम कर रहे हैं, हम कलर वेरी कर रहे हैं सेम चीज की अलग अलग कलर, राइट. तो अब आप कोई अगर कोई बोले गोल्ड का क्या कलर है, अगर बोले पीला तो आप बोलोगे नहीं लाल भी हो सकता है, आपको पार्टिकल साइज बतानी पड़ेगी. सिमिलरली कैडमियम सेलेनाइड इज अ सेमीकंडक्टर, उसका कोई कलर हो सकता है जैसे कैडमियम सेलेनाइड का या सल्फाइड का पीला कलर हो सकता है, बट मैं कह सकता हूँ उसका लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा, राइट. अब नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हम देखेंगे, तो हम तीन तरीके से सबसे ज्यादा देखते हैं. वैसे तो आज 50 तरीके हैं, उसमें सबसे पहले AFM आता है. AFM इज एन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. क्या होता है ये, आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको एक कैंटिलीवर है, वेरी सेंसिटिव कैंटिलीवर. कैंटिलीवर मान के चलिए आपकी उंगली की तरफ, आप एक उंगली एक सरफेस पे रखेंगे जो हीटेड है, तो आपके उंगली आपको ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रही है कि गर्म है. सिमिलरली एक कैंटिलीवर इज कनेक्टेड टू अ device like a computer in which there will be something interface which will tell you what is the atomic force between the tip of the cantilever and the surface. ये एक एक atom के बीच में force निकाल सकता है, इसीलिए इसको atomic force microscope. तो इस force से हम बता सकते हैं surface पे क्या, at atomic resolution, right? That is why it is called atomic force microscope. Similarly, we have what is called scanning tunneling microscope. ये भी सरफेस पे एक एक एटम से बात करता है, इसके टिप पे भी एक एटम होना चाहिए. तो ये जैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. कंपनीज मेक इट, दे सेल इट, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम अ कंपनी एट अ कॉस्ट. बोथ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के जो टिप्स होते हैं कैंटिलीवर्स, वो आपको खरीदने पड़ते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं. सिमिलरली STM के जो टिप है आपको खरीदने पड़ते हैं, वो कंपनीज होती है जो बनाती है वेरी हाई रेजोल्यूशन पे. इसके टिप पे एक एटम होता है, वो एटम सरफेस पे एक एक एटम से बात करता है, उसमें फोर्स निकालता है, इसमें करंट निकालता है. इसको टनलिंग करंट कहते हैं, और ये टनलिंग करंट से हम पूरे सरफेस को स्टडी करते हैं. वहां पे फोर्स से स्टडी करते हैं, यहाँ पे करंट से स्टडी करते हैं. अल्टीमेटली हमको कंप्यूटर क्या दिखाता है, हमको कंप्यूटर एक पिक्चर दिखाता है, उस पिक्चर में हमको सरफेस पे क्या है वो बताता है. बट हम स्टडी क्या कर रहे हैं, उसकी एक एक करंट एक एक सरफेस के पोजीशन से, ठीक है. सो इट इज सरफेस टेक्निक. जो ये प्रोब है जो कि 1940 से नोन है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो डेवलप करते करते 1960-70 में मार्केट में आया था. 40 से 60 तक सिर्फ लेबोरेटरीज में था, क्योंकि लोग इसको पैकेज नहीं कर पाते थे और महंगी थी.
60-70 से लोग यूज करना लगे कमर्शियली, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट जो डिस्कवरी हुई है 2005 में, उसका नाम है एबरेशन करेक्टेड हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन। सो 1940 से लेके अब 2005, अब तो 2020 में है, ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जो एटम के अंदर भी देख सकते हैं। इसको कहते हैं CS करेक्टेड और एबरेशन करेक्टेड माइक्रोस्कोप, जिसका रेजोल्यूशन 0.05 नैनोमीटर से भी बेटर है, ठीक है। उसका मतलब एटम के अंदर भी हम देख सकते हैं, बट ऐसा माइक्रोस्कोप रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अच्छा लैब बनाना है, अच्छा मतलब लैब बनाना ही 20-25-30 लाख खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो आप देख ही रहे हो 30-50 करोड़ में आता है, वो लैब बनाने, एक छोटा लैब बनाने के लिए 30-35 लाख खर्च करने पड़ते हैं। और ज्यादातर वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप होते हैं, उस लैब के अंदर कोई आदमी नहीं जाता है, ये रिमोट कंट्रोल होते हैं। बिकॉज इवन आपका जो ब्रेथ है, आप जो इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो इस माइक्रोस्कोप को सेंसिटिव इतना है वो पकड़ता है। तो आप जो देखना चाहते हो वो आपको सही नहीं दिखेगा, अगर उसमें आप ब्रीद आउट करेंगे तो। एक्चुअली में वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप है वो रिमोट कंट्रोल यूज होता है, राइट। इसमें आपको सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन मिल सकता है। यह HRTM, ऐसे पिक्चर्स बहुत कॉमन है आज, और ये एटॉमिक स्केल पे आप एक एक एटम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड में क्या टॉप डिवाइस बनाई गई है, आप ऐसे टेक्निक हैं जिससे कि हम एटम से भी लिख सकते हैं। ये एक एक एटम रख के लिखा गया है, ये 30 साल पहले IBM ने बनाया था, बट ये आप हर जगह नहीं बना सकते, आपको वैसा मशीन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको कहते हैं एटॉमिक स्केल राइटिंग, एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड रेजोल्यूशन राइटर। ये आप खरीद नहीं सकते आसानी से। इसको मार्केट में कमर्शियलाइज किया था 2016 में, बट बहुत महंगा है। उससे आप ऐसे, जैसे आपके पास पेन ड्राइव होता है, आप इस चीज की पेन ड्राइव खरीद सकते हैं, बट बहुत महंगी है। वो एटॉमिक स्केल पे उस स्टोरेज करता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो आपका जो, आपके पास जो पेन ड्राइव है उसमें गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स होता है, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। ये आसान है, इसमें ये केमिकली ऑपरेटेड है, ये जो नैनोलिथोग्राफी हम कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स पैटर्न कर रहे हैं। इसको हम, जैसे हमारे प्रिंटर काम करते हैं, ऐसा कार्ट्रिज होता है, उस कार्ट्रिज में मॉलिक्यूल्स हम पैटर्न कर सकते हैं। ये 5-6 लाख का आता है, 10 लाख का आता है। ये आपको अगर मार्केट बनाना होगा तो आपको 10-20 करोड़ रुपया खर्चा करके मशीन बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आप देख सकते हैं एटसेट्रा, बट इट इज एक्सपेंसिव अफेयर टू डू एटॉमिक स्केल राइटिंग। ये मोर कॉमन है, ये 5-6 करोड़ का है, ये इलेक्ट्रॉन बीम से आप लिखते हैं। तो जो मैं कहानी कह रहा हूँ, ये सब अब आप नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो लिथोग्राफी एक सब्जेक्ट है जिससे कि ऑल नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सर्किट बनाने होते हैं। वो सर्किट जब आप 100 नैनोमीटर में, 50 नैनोमीटर में आप काम कर रहे हैं तो एक स्टेज है। अब आप काम करना चाहते हैं 5 नैनोमीटर, जो आज का स्केल है, वर्ल्ड का जो बेस्ट स्केल है और लोएस्ट स्केल है, जिसपे चिप बन रहा है ताइवान में, वो 5 नैनोमीटर में 2019 में उन्होंने चिप डिजाइन किया हुआ है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। मेरे को अभी उससे ज्यादा पता नहीं है कि वेदर एनीबडी हैज डेवलप्ड। ये जो चिप लिखना है, इसको नैनो लिथोग्राफी से आपको करना है। तो 15 साल पहले ऐसे में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स मालूम थे। चिप तो बहुत एडवांस टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सिंपल टेक्निक क्या है, आपके जैकेट्स में नैनो पार्टिकल डाल दिए, आपके क्रीम में नैनो पार्टिकल डाल दिए, ये 15 साल पहले बन गए। गोल्फ बॉल में डाल दिया, टेनिस रैकेट में डाल दिया, ये सब चीजें। रॉजर फेडरर विंबलडन 2007 में, ही वाज प्लेइंग विद अ रैकेट वेयर द स्ट्रिंग फ्रेम हैव बीन यूज्ड नैनो पार्टिकल्स ऑफ सिलिका नैनो पार्टिकल, दे आर मच स्ट्रॉन्गर स्टेबल। टेबल टेनिस बॉल्स में यूज किया है, ये जो हेलमेट में यूज किया गया फोम, इसके अंदर एक नैनो चिप है। अगर आपको धक्का लगता है हेलमेट में से, वो चिप निकाल के, जैसे ये हेलमेट्स पहन के खेलते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं आपको ब्रेन में क्या डैमेज हुआ, ये सब नैनो चिप्स बने हैं, राइट। ये तो आप जानते ही हैं, लोग क्रिकेट प्लेयर्स भी व्हाइट कलर लगाते हैं, ये TiO2 ZnO होता है,
आप देख रहे हैं नैनो पार्टिकल का साइज अगर मैं छोटा करता जाऊंगा तो ये महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है आपने लगाया क्या स्किन पे। जो क्रिकेटर्स यूज करते हैं सफेद सफेद दिखता है क्योंकि लार्जर पार्टिकल साइज है। ये क्या कर रहे हैं, यूवी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बॉडी में यूवी रेज ना जाए, बिकॉज यूवी रेज क्रिएट स्किन कैंसर। ओके, दैट्स व्हाई प्लेयर्स यूज प्रोटेक्शन। ऐसे क्रीम्स अवेलेबल है, लॉरियल का क्रीम अवेलेबल है। ये सब बहुत लो लेवल टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले लोगों ने बना ली है, 15 साल पहले ये बना ली। सेंसर्स इन फूड पैकेजिंग, जैसे ये कवर है इस पे ना लाल कलर हो जाएगा अगर ये क्रिस्प है, इसमें अगर ऑरेंज है तो ये बता रहा है कि फर्म है, और अगर ये थोड़ा पिलपिला हो जाएगा कलर चेंज कर जाएगा। तो इसमें सेंसर है वो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि इसमें से कोई गैस निकल रहा है या मॉइस्चर निकल रहा है। मॉइस्चर सेंसिटिव कोई चिप लगा हुआ है वो कलर चेंज कर रहा है। इट कैन बी पेपर बेस्ड, इट कैन बी प्लास्टिक बेस्ड, विच इज ऑन द पुट ऑन द कवर ऑफ दिस, जिससे कि आप खरीदने जाएंगे ऊपर प्लास्टिक पे कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि अंदर ये जो पियर है ये किस शेप का है। वो लो लेवल टेक्नोलॉजी है, ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी है। दैट इज ऑल्सो सेंसर, दिस इज ऑल्सो सेंसर। इट यूजेस व्हाट इज कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल यूजिंग सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों को कंबाइन करके वर्ल्ड का सबसे एडवांस सेंसिंग विच इज कॉल्ड सर्स टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। दिस टेक्नोलॉजी वॉज शोन फर्स्ट बाय इजराइल, दिस पेपर इज देयर, विच कैन टुडे इज कॉल्ड द नैनो नोज, वेयर यू कैन फाइंड इवन वन मॉलिक्यूल इफ यू वॉन्ट टू फाइंड यूजिंग दिस सेंसर विच यूजेस SPR टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो SPR जैसे मैंने बताया था क्या होता है, मेटल नैनो पार्टिकल्स ऑसिलेट विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो रामन के साथ जब हम क्लब करते हैं, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी पावरफुल टू फाइंड सिंगल मॉलिक्यूल्स, बट क्या होता है सिग्नल वीक होता है, उस सिग्नल को एनहेंस करता है SPR। तो जब हम दोनों को जोड़ जाते हैं, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड SPR, देन वी गेट दिस पावरफुल टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड का आज का सबसे पावरफुल सेंसिंग टेक्नोलॉजी। इफ यू गो टू एनी डिफेंस, एनी पुलिस, एनी थिंग विच वॉन्ट्स टू डिटेक्ट मॉलिक्यूल्स इन योर हैंड, इन योर बैगेज, इन एनी थिंग, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टूडे विच कैन टेल यू। अगर आपके हाथ में एक भी मॉलिक्यूल है वो RDX का है, TNT का है, इट कैन टेल यू दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यू हैव लो लेवल टेक्नोलॉजी यूजिंग सेंसर्स, यू हैव हाई लेवल टेक्नोलॉजी। ऑफकोर्स द कॉस्ट विल बी डिफरेंट बिकॉज आप कैसे चिप बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोफ्लूइडिक चिप। ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं बता रहा था, ये आप आंखों से देखते हैं, इसको मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें चिप्स लगे हुए हैं। ये एक चिप दिख रहा है, इस चिप को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें वेफर होता है। एक वेफर में थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स आर देयर, जो आपको क्लोज लुक में दिखेगा, थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स। एक एक सर्किट को कैसे बनाया है, दैट इज द पावर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो एक एक आपने सर्किट बनाया है, इसके अंदर ऐसे हजार आपने वेफर में डाले हैं जो कि फाइनली मदरबोर्ड पे जाएगा, ये आपस में बात कर रहे हैं, और एक दूसरे से कितना फर्क है, ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 5 नैनोमीटर का। दैट मींस आपने इतने क्लोज एलिमेंट्स ले आए हैं, आपके जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, जैसे कैपेसिटर्स, जो इंडक्टर्स, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, वो थाउजेंड है या लाख है या 50 लाख है, उससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस। आपका i11 महंगा क्यों है, आपका आईफोन 11 और आपका कोई और फोन ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि ये लेटेस्ट चिप से बना हुआ है। लेटेस्ट चिप मीन्स मोर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, आप ज्यादा पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। सो यू हैव टू यूज पावरफुल चिप्स। पावरफुल चिप्स मीन्स मोर प्रोसेसर, मोर पावर टू द माइक्रो प्रोसेसर। मोर पावर टू द माइक्रो प्रोसेसर मीन्स मोर सर्किट एलिमेंट्स। मोर सर्किट एलिमेंट्स मीन्स 1 मिलीमीटर में मैं कितने सर्किट एलिमेंट डाल सकता हूँ, उसका मतलब मेरा एक एलिमेंट जितना छोटा होगा मैं उतने ज्यादा डाल सकता हूँ। इससे चिप टेक्नोलॉजी डिफाइन की जाती है। टूडेज
chip technology is at 5 nanometer, right? Chip कैसे, ये wafer कैसे बनता है? Sand से बनता है, ये chemistry से करके ये wafer बनता है, ये सारा process है sand से, silica से, silicon wafer बनाने का. Silicon wafer पे ये circuit elements, can you imagine the technology? और ये technology today is at the level of nanotechnology, which 20 years back was at micron technology. उसमें आप ये circuits बना रहे हैं using technology which are done in clean rooms. These are called clean rooms, जिसमें कि सब automated ये होता है, chip design होता है, सब computerized design होता है, उसमें processes होते हैं. आपको अंदर जाने के लिए भी आपको special suits पहनने पड़ते हैं और special temperature, atmosphere, gas, etc. होता है. Even the light wavelength is controlled. एक छोटा सा क्लीन रूम बनाने के लिए आपको कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, राइट? तो ये सब, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है. इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं. आई वेंट टू दैट प्लेस, राइट? ही इज अ वेरी फेमस मैन, हिज नेम इज मॉरिस चैंग. एक आदमी जिसने एक देश को वर्ल्ड में नंबर वन किया है. ही वॉज अ प्रोफेसर एट MIT. He was brought by Taiwan to set up the Taiwan chip company. And if you visit Taiwan, they will take you to this TSMC, which is called, which was number 3 in the world. US ki company Intel and AMD were number 1 and 2. Now, this is number 1 in the world. Aapke sare device mein jo chip aate hain, most of the chips are made in Taiwan. And they're developed by this company and other companies in Malaysia, Indonesia, set up by TSMC. This 5 nanometer chips is what, when I visited in 2019, this company was developing, which was released in April. I had probably visited in March, or I was in first week of April. And this company is today's leading manufacturer. And these are the kind of their machines. Aapko dekh raha hai, ye sab robots hain. Iske chhat pe machine kaam kar rahe hain. All the chips move on the roof of this. And they come to a room jahan pe 1000 में से एक चिप टेस्ट होता है बाय मैनुअल चेकिंग. ये लोग अलग रूम में होते हैं. नोबडी वर्क्स ऑन दिस मशीन्स, दे आर ऑल ऑटोमेटेड. चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लार्ज स्केल पे. ओके, दीज आर कॉल्ड फैब लैब्स बिकॉज दीज आर फैब्रिकेशन लैब्स. ये सब ऐसे डिवाइस में आ रहे हैं. इनके में अंदर जो सर्किट्स हैं, आप बटन दबा रहे हैं और फोन जा रहा है, ये सब थ्रू द सर्किट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, थाउजेंड्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स. This is future. Nokia Morph is a setup for next generation computer. ये Samsung का है, ये Nokia का है, with Cambridge University, जो आप जेब में डाल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. Depending on materials and circuits which are expandable, everything due to nanotechnology. You can also do in these technologies, what is flowing through the chips? Electrons, right? It's electronic chips. You can have biochips in which you can have droplets moving. These can be few nanometers. Or iske andar se aap blood ka droplet bhej sakte hain, urine droplet bhej sakte hain, jo ki sense karegi aap koi cell, jaise aap coronavirus check kar sakte hain ya sense kar sakte hain. Inko biochips kehte hain. Inki bhi clean room mein zarurat hai, but inke chips ke size 5 nanometer, 1 nanometer mein कम यूज होता है, ये थोड़े बड़े साइज में ज्यादा यूज होता है. ठीक है, जैसे ये चिप एक घड़ी में है, ये ऑटोमेटेड है, ये ऑलरेडी नोन है, मार्केट में है, ये ऑटोमेटिक मेडिसिन दे सकता है. फॉर एग्जांपल, इट कैन डू कीमोथेरेपी और इट कैन गिव ग्लूकोज. आप ऐसे चैनल्स और माइक्रो प्रोसेसर से प्रोग्राम कर सकते हैं, विच कैन डिलीवर इन योर बॉडी एट एनी टाइम थ्रू माइक्रो नीडल्स, जो कि इसके बैक साइड में है. Okay, so you can use microfluidic devices. You can use magnetic nanoparticles to give what you call flowing particles, which are medicines, to go to a organ where there is a disease. And with magnetic nanoparticles, you can bring the medicine to there and then target it and then kill that whatever disease with a targeted delivery. Okay. So this you have done in conjunction with magnetic nanoparticles with a drug. Okay. In nature also, there are a lot of nanoparticles. In the structure of this hornet, there are nanostructures.
which absorb solar radiation and create electricity. Okay, there are organisms which walk on water. Why they walk on water? Because in their legs there are nano grooves, jisme ki air trap ho jata hai, so they can walk on water. This is in nature. Now we can learn from them and make things. For example, this has a nano structure in the beak, which is very tough. And people have used that technology to make wings for aircrafts. This the US Air Force has made. Very light, but very strong. You can look at lizards which climb the walls. Look at their legs and you find thousands or millions of hairs. And they can trap, again, create vacuum because of these nano hairs, and they can climb the walls. And if you make that in the lab, you can also do that. This is made in the lab. Okay, so you can learn from nature and make in the lab. You can make a sheet which can stick on the wall and you can remove it. Okay, you can make colors like on butterflies, because butterflies show what is today we call a phenomena called biophotonics. The butterfly's wings has holes which can change size, and based on the different size, you see different colors. Okay, same thing we can do. These different size, kabhi brown dikhata hai, kabhi neela dikhata hai butterfly. Kyun? Kyunki wo apne wings mein jo holes hain, uske dimensions change kar sakta hai. Hum lab mein aise bana sakte hain. We can make holes. This is on alumina thing, right? And I can make holes. Depending on few nanometers apart, I send in some light, I can get some other light. I can get polarized light. 470 nanometer light dal rahe hain, or 157 nanometer light aa raha hai. You understand? So I can do many things. This is called nanophotonics. I can make gold vanish. This is yellow colored of gold, you can see on the side. If I coat it with carbon nanotubes, it will absorb all the radiation. Aapko dikhega hi nahi kuch hai. Ye defense ke liye bahut important. Agar main aircraft ko coat kar dun, and then I can do something. Okay. Similar things, I can do graphene coating on contact lens. Right? If light goes into my eye directly, I can get cataract, etc. Okay. So if I put graphene, it can absorb that radiation and it can block that radiation. It can also block moisture. Kabhi jaise aankhon se pani aata hai to contact lens mein nahi jana chahiye. It can create a barrier, right? We can do all these things using a graphene lens. This is also part of nanotechnology, right? We can make super hydrophobic surfaces from leaves, knowing the properties of leaves. We can make surfaces ki aapke surface pe pani spherical ho jayega ya aapka surface gila nahi hoga, right? So hum aise surface agar banayenge to aapke shirts kabhi gila nahi hoga, usme droplets banenge aur wo hat jayenge, right? Ab main aapko wo tasveer dikhaunga jo Nilima ji isme dikh rahi hai. Nilima ji, if you are there, you can see you are there when I was giving this lecture in ISER Mohali on some INST day on 8th of August, I forget which year, maybe 2017. And this jeans had those kind of nanoparticles, jo ki waterproof jeans, right? Hamare paas socks bhi the. This was made by ARCI Hyderabad and IIT Delhi textile department project. Se they have made this kind of clothes. And these are sold in the market by flying machine, etc. You can look at sharks, learn from them, and you can go on and on. What I am saying, nature mein bahut cheez hai jisme nanotechnology hai, aise structures hain. Sharks ke skin pe kabhi bhi koi bhi bacteria growth nahi hoti hai. Agar aap shark ke surface jaisa surface bana lenge, lab mein study karenge, to aap dekhenge usme bacteria growth nahi hota hai, bahut kam hai. So main khatam karunga 2-4 minute ki covid mein kya ho raha hai. So this is the coronavirus. Right? So it is identified, etc. 213 country mein hai. Is pe bahut projects chal rahe hain. DST ne pata nahi kitne projects de diye hain. Bahut sare projects. To log kya kaam kar rahe hain coronavirus pe? To agar aap coronavirus dekhenge, to coronavirus mein kai tarike ke proteins hain. Right?
और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आरएनए एंड एन प्रोटीन हम कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन हम कहते हैं, दैट यू हैव टू ब्रेक एंड किल एक्चुअली टू किल द कोरोना वायरस, और यू हैव टू किल वन ऑफ दिस सर्फेसेस, या तो इसको तोड़ना पड़ेगा या इसको तोड़ना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम मास्क पहनते हैं या सूट पहनेंगे और उस पर हम कुछ लगाएंगे ताकि व्हेनेवर द कोरोना वायरस कम्स इट इज ब्रोकन डाउन, राइट? सो वी मेक एंटीवायरल नैनो कोटिंग्स ऑफ सिल्वर और TiO2 विच कैन ब्रेक दैट कोरोना वायरस. सो मास्क में आप लगा सकते हैं, आप सूट्स में लगा सकते हैं. तो IIT दिल्ली के पास भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये हो रहा है. दुनिया में कई लोग काम कर रहे हैं जो PPE सूट्स, मास्क और इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आप यूज कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ग्राफीन, कॉपर नैनो पार्टिकल्स आप यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज एनी क्वार्टरनरी एमीन्स, जो कि नॉर्मली हम रास्ते पे क्या छिड़कते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़कते हैं, बट हम नैनो पार्टिकल्स भी यूज करते हैं, राइट? तो दीज आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये 2020 का पेपर है जिसमें बताया गया है आप क्या क्या नैनो पार्टिकल्स यूज करके कोरोना वायरस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं आपके मास्क पे. दिस विल बी एक्सपेंसिव मास्क बिकॉज यू विल हैव नैनो पार्टिकल्स इन देम टू ब्रेक द वायरस. अभी तो मास्क आप पहनते हैं सिर्फ ब्लॉक करने के लिए, ये ब्रेक भी कर देगा. ऐसे मास्क जिसपे TiO2 हो और मेटालिक कोटिंग्स हो, कॉपर नैनो पार्टिकल्स हो, इन सब से, राइट? और आप थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं तो आप गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पे सरफेस फंक्शनलाइज कर सकते हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड थायोलेटेड ASO कैप नैनो पार्टिकल्स. ये ASO क्या है मैं बताता हूँ आपको. अगर आपको पता है वॉट इज एंटी सेंस न्यूक्लियोटाइड्स, देन यू विल नो. दोज हु आर बायोलॉजिस्ट विल नो वॉट इज कॉल्ड एन एंटी सेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब उल्टा डिरेक्शन में, राइट? सो अगर आपका गोल्ड नैनो पार्टिकल है, दीज आर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, उस गोल्ड नैनो पार्टिकल पे आपने थायोल कैपिंग किया है, और थायोल एस जो होता है वो गोल्ड के साथ बाइंड करता है, और वो थायोल के साथ आपने ये न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और ये एक साथ एग्लोमरेट हो जाते हैं, ठीक है? ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विद द दिस न्यूक्लियोटाइड. देन व्हाट हैपेंस, यू ब्रिंग इट क्लोज, टेक द नेजल स्वाब, कोरोना वायरस आपके यहाँ पे है और आपने आरएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से, एंड देन यू यूज दैट वायरल आरएनए. आपको आरएनए निकालना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था कि इसमें जो ये आरएनए है ना, इसके अंदर उसको आपको निकालना पड़ेगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे आप किसी भी पैथ लैब में जाते हैं, उनका पहला काम होता है आपका नेजल स्वैब से आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद एनालिसिस होता है. दैट फर्स्ट स्टेप आपको करना पड़ेगा. दैट फर्स्ट स्टेप के लिए आपको अच्छा लैब चाहिए. दैट इज वाई यू नीड लेबोरेटरी. तो आपको वो आरएनए एक्सट्रैक्ट जब मिलेगा, आप इसके साथ जब मिक्स करेंगे, तब ये ऐसा देखने में होगा, राइट? और उसके बाद जैसे ही आप आरएनएस, ये एक एंजाइम है, हाइड्रोजनेटेड आरएनएस, राइट, दैट व्हेन यू ऐड, तब क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन पहले पर्पल कलर का था, ये डालने से आपने इंक्यूबेट किया 5 मिनट, ये कलर चेंज कर जाएगा. ये आप विजिबली बता सकते हैं आपको कोरोना वायरस है या नहीं. तो आपका ये कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया. फिर आप ये आरएनएस डालेंगे 5 मिनट, फिर इंक्यूबेट करेंगे 65 डिग्री पे, यू विल सी अ प्रेसिपिटेट. दिस इज डन बाय इंडियंस इन जॉन हॉपकिंस आई थिंक और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, एंड हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द पर्सन हु इज की इन दिस. हिज नेम इज मोहित्रा आई थिंक, एंड आई थिंक ही इज एन ऑथर ऑफ दैट, एंड ही इज इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड. And his father was in University of Delhi. And when you incubate this, and you will see this precipitation. Agar ye precipitate karega, that means you have coronavirus. Agar nahi karega, that means you don't have. That is so specific because you have a specific antisense oligonucleotide which will attach to the RNA which is extracted from this. Aur us RNA pe ye RNA is karega. Theek hai? So I think I'll stop because जैसे आप लोग दो टेस्ट करते हैं, RT-PCR टेस्ट में आप ये करते हैं बिकॉज आपको RNA निकालता है. दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट. आपको अगर कोरोना हो गया है, उसके बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं,
उसका टेस्ट आप कर सकते हैं, वो सस्ता टेस्ट है, वो आसानी से है, बट वो उसी को कर सकते हैं जिसको ऑलरेडी कोरोना हो गया है। अगर मेरे को नहीं हुआ है वो नहीं बताएगा क्योंकि मेरे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं हुए। सो दैट इज नॉट अ टेस्ट एक्चुअली, 100% टेस्ट यू हैव टू डू एन आरटीपीसीआर टेस्ट, एंड द आरटीपीसीआर टेस्ट में ये एक्सट्रैक्ट लेना पड़ता है आरएनए में, फिर आप आरटीपीसीआर करते हैं, जो आजकल के कई तरीके से आरटीपीसीआर किट्स अवेलेबल होते हैं ऐसे करने के लिए। दिस इज अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी विच इज अ कलरीमेट्रिक डिटेक्शन। इसमें आपको फ्लोरेसेंस डिटेक्शन नहीं करना पड़ता, जो नॉर्मल डिटेक्शन होता है इट इज कॉल्ड अ फ्लोरो इम्यूनो एसे, अगर जो बायोलॉजिस्ट हैं दे विल नो दैट। सारे जो किट्स आजकल मार्केट में बहुत किट्स अवेलेबल हैं, वो आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप किट वन यूज करो, टू करो, थ्री करो, डिपेंड करता है किस कंपनी का किट आप यूज कर रहे हो। दिल्ली आईआईटी हैज डेवलप्ड ए टेक्निक जिसमें वो किट में आपको फ्लोरेसेंस नहीं यूज करना, इट इज नॉन फ्लोरेसेंट किट, बट अनफॉर्चुनेटली कोई वो किट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब तक जो जो लैब है वो अगर आरएनए एक्सट्रैक्ट करके वो किट नहीं इस्तेमाल करेगा तो आपका किट यूजफुल नहीं है। किट तो बहुत लोग बना रहे हैं, इंडिया में ही बहुत लोग बना रहे हैं, बट यू हैव टू कंबाइन द टू, यू हैव टू यूज द आरएनए एक्सट्रैक्टर विद द किट, देन यू विल गेट द टेस्ट। बट दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज अ कलरीमेट्रिक टेस्ट एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज, इट्स कॉल्ड द लैटरल फ्लो इम्यूनो एसे। आई वोंट गो इनटू दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश दैट फॉर ऑल ऑफ यू, द फ्यूचर हैज टू बी स्मार्ट। आपके बॉडी में चिप्स हो सकते हैं, आपके हर दीवार पे चिप हो सकते हैं, यू मस्ट लर्न, एंड द टेक्नोलॉजी विच इज ऑलरेडी इन द मार्केट, आईआईटी दिल्ली स्टार्टिंग सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आईआईटी मद्रास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बीटेक इन एआई एंड मशीन लर्निंग, दैट विल बी वेरी पावरफुल। ऑलरेडी गैजेट्स आर देयर, दैट वी हैव बॉट अ गैजेट इन आवर इंस्टीट्यूट, अगर आप उस दरवाजे से निकलोगे वो आपके जो भी आएगा सबके बारे में विद मास्क आइडेंटिफाई कर देगा। अब मास्क भी पहनोगे तो आपका आइडेंटिटी बता देगा, ये आदमी इतने बजे आया था, ये कर सकता है, सो वी हैव गॉट दैट, एंड टेम्परेचर भी बता देगा आपका। सो लाइक दैट मेनी थिंग्स कैन बी डन, सो दैट मीन्स इट इज डूइंग मशीन लर्निंग, सम प्रोग्राम इज फेड, सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन इज देयर ऑफ 1000 पीपल, एंड इट द मशीन आइडेंटिफाइज दिस पर्सन केम एट 9:35 एंड ही हैड दिस टेम्परेचर। दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग is going to be the future, sensors is going to be the future, har cheez mein sensor chahiye, human device interaction is the future, IoT of things, aapki gaadi aapke mobile se connected rahegi, aapka refrigerator aapke mobile se connected rahega, aapka ghar ka darwaza aapke mobile se connected rahega, already these technologies are in use, automated vehicles are already in market, right, agar aap Tesla car dekhiye etc, so this is the future, and for students what I want to do is वर्क हार्ड, एंजॉय लाइफ, डोंट कंप्लेन, लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, एवरी मोमेंट इन दिस वर्ल्ड पीपल आर डूइंग समथिंग न्यू। जैसे मैंने लास्ट ईयर व्हेन आई विजिटेड दैट कंपनी, दे वर ऑन 5 नैनोमीटर चिप, जो कि वो दुनिया में लॉन्च करने वाले थे, तो आज वो 3 नैनोमीटर सोच रहे होंगे, राइट? सो हर मोमेंट दुनिया में कुछ ना कुछ नई चीज है, आप कुछ नई चीज सोच रहे हो, दैट इज वॉट इज, नहीं तो आप एक ओनली आपका बर्थ हुआ और आपका एक दिन डेथ होगा, बीच में आप क्या कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और आप कर सकते हैं। इलॉन मस्क इज नॉट समथिंग इनह्यूमन, वो भी आदमी हमारी, राइट? वो सिंगल आदमी ने लैंडिंग कर दी आईएसएस पे, आफ्टर 45 इयर्स वन व्हीकल वाज सेंट विद अ मैन्ड लैंडिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट वाज डन प्राइवेटली, ऑफ कोर्स विद नासा, बट इट वाज डन प्राइवेटली बाय अ कंपनी कॉल्ड स्पेसएक्स, right? So you can also become like that, who can think independently, think big, think bold, but what you need to do is spend your 24 hours effectively. Har aadmi ke paas 24 ghante hain, koi Elon Musk banta hai, koi ek unknown name sirf apne parivar ke liye rahe ban ke reh jata hai, right? Simple cheez start kijiye, kuch acha kijiye, aapke pados mein 2 bachchon ko padhaiye. That itself is something. Use your time to do something great. Thank you very much. Okay. So I will now stop sharing. Okay. So I am already 5:35. It is long time because we missed half an hour. Otherwise, yes, yes, we did that, and we are sorry for that. But maybe one or two quick questions if you have time, Dr. Ganguly. Yeah. Sure.
So please raise hands, students. One or two quick questions. I've been reading out very encouraging comments on the chat box. And before anybody else asks, let me tell you that there is somebody, Dimple Chopra. She has already requested to take one more session on nanotechnology in biology. So what sure. level do you want, Dimple? What is your level? Could you just let us know? Please unmute Dimple if she is there. She needs to raise her hand, ma'am. I have unmuted Dimple. Yes, sir. So specifically in medicine, the way you have explained about the COVID-19, that also I need more explanation related to this. Okay. Dimple, do you need it at researcher level or at student level? No, at researcher level, ma'am. At researcher. Then there are better people. I'm actually a biology teacher in Delhi Public School. There are people who are researchers. I can connect you to them who are really doing research in our institute, who are biologists, who are working with extraction of the RNA, everything they are doing. And if you want, I can ask them to give a full lecture on the coronavirus. Yes, maybe we can ask them. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. Sure. Thank you. Yeah. Next is Bhavya Jha. I have to go. Good evening, sir. Yeah, good evening. So privileged to hear from you. I'm a teacher, and even same as Temple Mom said, even I wanted to increase my knowledge about nanotechnology in the field of biology. Sure. So I think Dr. Nilima, you yes. can organize another lecture at Maybe. The college level, and you can organize a specialized lecture. I can ask somebody from our researchers who are working on nanobiology, or from AIIMS or from IIT Delhi, and I can ask a very specialized lecture for those who are doing research in coronavirus, and they can give a full lecture on that. Good. Thank you so much, Doctor. We'll definitely contact you for this. Thank you. Thank you, okay. ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Yes. And we'll try to organize it as soon as possible. Yeah, sure. Anybody else who wants to ask a question? I think sir has left, ma'am. Oh, he has left? Yes. He had to go to some meeting. He had to go to a meeting. Nilima, yeah. ma'am, thank you for organizing such a wonderful session. Really. You're the most welcome. May we request Dr. Grover? Even if Dr. Ganguly has left, we still need to thank him formally. Dr. Grover? So, Shirish, can you do the honors, please? Yeah, ma'am. Thanks, everyone. I would appreciate the Dr. Ganguly, who has taken out his time from busy schedule to give a very, informative lecture, and also regarding the corona, which everyone is interested to know about it. And I'm really thankful to sir for sparing out time to give this a wonderful lecture. And I'm very much thankful to our worthy DG ma'am, Dr. Nilima Jarath, who guided us to organize this event. Dr. Saab, he has been always, Dr. Grover, always supporting us to do this event, and my colleagues. And at least, and majorly, I am all very much grateful, thankful to all the participants and all the attendees who attended and bear with us all the inconvenience which was caused due to some technical snag in between. Thanks a lot for bearing with us. I'm very much thankful to you. And also very much thankful to our media persons who are always helpful in spreading the awareness about the scientific and science and technology issues and regarding that. Thanks, everyone. Thanks a lot. Thank you so much.